मैं परमेश्वर की बहुत ही धन्यवादी हूँ कि आज मैं पहली बार इस मीटिंग का हिस्सा बन सकी और मैं इंदौर चर्च कलीसिया की मेंबर हूँ और इंदौर स्कूल में एक टीचर के उससे काम करती हूँ। और मुझे इस मीटिंग के बारे में अपने स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर ग्लैडविन के थ्रू ही पता चला। और जब मुझे मैडम जेनल और पिंकी मैडम ने कांटेक्ट किया और ये बताया कि मुझे इस मीटिंग का हिस्सा बनना है और ये जो जीसी के द्वारा प्रार्थना आई विल गो थीम पे जो प्रार्थना शुरू की गई है उसमें एक एक मैसेज देना है, तो मैंने ये सोच लिया था कि हाँ, ये परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। और जैसे कि थीम है आई विल गो, तो मैंने भी अपने मन में सोच लिया था आई विल डू इट, मैं भी उस चीज को करूंगी। लेकिन जैसा इंसान सोचता है शैतान अपने तरीके से चलता है। मैं अपनी तैयारी कर रही थी और फिर ऐसा होता है कि फ्राइडे के दिन अचानक से मुझे सर्दी पकड़ लेती है, तो मैं अभी से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी कि मैं बीच बीच में शायद अपना गला भी साफ करूं क्योंकि मेरे को थोड़ी सी सर्दी पकड़ ली थी। और अपनी इस कंडीशन में और कुछ बुरा होने से बचता तो वो ये था कि मेरे एक दांत में परेशानी आने लगती है और मैं पिछले 2-3 दिन से डेंटिस्ट की क्लिनिक पे ही अपना शाम का समय बिता रही हूँ। और मैं अपने मन में सोचती थी कि हे प्रभु, मैं कैसे कैसे आज की जो ये सभा है उसका हिस्सा बनूंगी, कैसे मैं आपके वचन को साझा कर सकूंगी। पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैंने हिंदी में, खासकर मेरी भी हिंदी कुछ खास अच्छी नहीं है, हम मिक्स्ड हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी, और इतने अच्छे से कभी हिंदी में मैंने नहीं कोई भी मैसेज को शेयर किया है और जूम पे तो खासकर नहीं किया है। और पहली बार तूने मुझे मौका दिया और इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं कोई अड़चने महसूस हो रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आज वो दिन आ गया और मैं प्रभु का संदेश आप सभी के साथ साझा कर सकती हूँ। मैंने एक गीत भी तैयार किया एक स्पेशल सॉन्ग के हिसाब से, और यहाँ भी मैं एक उसमें फंस गई कि जिस इंसान को मेरे गीत के लिए गिटार बजाना था वो किसी कारण यहाँ नहीं है। इससे पहले कि मैं वो गीत फिर भी गाऊंगी, इससे पहले मैं वो गीत गाऊँ, मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से आशीषें मांगेंगे कि वो हमारी अगुवाई करें। है जमीन और आसमान को बनाने वाले सच्चे खुदावन पिता परमेश्वर महान, हम तेरे धन्यवादी हैं कि तूने आज शाम की सभा में हम मसीही भाई बहनों को इस जूम प्रार्थना सभा के द्वारा एकत्रित किया है। जितने भी लोग आज जुड़े हैं परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा परिपूर्ण हो, तृप्त हो, उन पे तेरी बरकतें हो परमेश्वर। हमारा नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरे योजनाएं, तेरा कहा हुआ वचन लोगों के साथ साझा करने वाले हो सके परमेश्वर। तेरे सहायक पवित्र आत्मा का साया हमारे साथ मांगते हैं। हर एक वचन जो पढ़े, जो हमारे कानों तक पहुंचे, वो हमारे दिल को छूने वाला हो सके। हमारी गलतियों और कसूरों को माफ करना परमेश्वर, हम पापी हैं, हम इंसान हैं, हम जानते हैं हम अन्य गलतियां करते हैं, पर हम परमेश्वर वो ही करने वाले हो सके जो तू हमसे उम्मीद रखता है। सभी के लिए दुआ करते हैं और खासकर इस मीटिंग के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके लिए दुआ करते हैं, जो परमेश्वर तेरे नाम के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी लोग तेरे नाम के गीत गाते हैं उन सब पे तेरी आज की बरकतें बनी रहे। इस समय परमेश्वर खास प्रार्थना में अपने लिए परमेश्वर तेरी दासी के लिए दुआ करती हूँ कि जो भी मैं बोलूँ, जो भी मेरे मुख से निकले परमेश्वर, तेरी स्तुति और आराधना के काम आ सके परमेश्वर पिता। हमारी सारी गलतियों को शुरू को क्षमा कर आज हम जितनी भी प्रार्थना जहाँ भी कहीं परमेश्वर सच्चे मन से मांगी जाती हैं तेरे नाम में पूरी हो। ये सब बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन। एक छोटा सा कोरस मैंने गाने का सोचा था, मेरे से गलती होगी या मेरा गला बीच में वो हो जाएगा तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम जिस भी हालत में हमें परमेश्वर की स्तुति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गीत का नाम है छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। दो चार दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और ये शौहरत हो जाएगी एक दिन फानी।
चलने वाली सांसें भी ठहर जाएंगी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर्म सी पर भरोसा वो तुझे जानता है। दुनिया की ताकत का सुन प्यारे भरोसा न करना, झूठा प्यार झूठा जग सारा किसी पर भरोसा न करना। कच्चे धागों का ये बंधन टूट जाएगा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर्म सी पर भरोसा वो तुझे जानता है। कर्म सी पर भरोसा वो तुझे जानता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो और उसी के नाम की स्तुति हो। इससे पहले हम आज का वचन मैं साझा करूं, मेरा ये मानना है और हम सभी ये जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को जब हम शेयर करते हैं और एक दूसरे से बांटते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है साक्षी, उसकी गवाही देना। मेरे पास भी एक गवाही है, जी हाँ, और ये गवाही मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब किसी की भी गवाही कितनी प्रभावशाली होती है ये उसी इंसान को ज्यादा पता होता है जिसके ऊपर या जिसके साथ वो बीत चुकी होती है। सन 2019 में अगस्त के महीने में अचानक मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है वो बहुत बीमार हो जाती हैं, और समय के साथ साथ उनकी जो हालत है, उनकी जो सेहत है वो गिरती जाती है। और जैसा कि हम नहीं सोचते या जैसा कि इंसान कभी नहीं जानता, और इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, दिसंबर की 7 तारीख को 2019 में अब वो परमेश्वर में सो जाती है। वो वक्त हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, हमने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये दिन हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ इंदौर में, यहाँ मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ और मेरी जो बड़ी बहन है वो गुजरात में, उनका विवाह हो गया है, वो गुजरात में अपने परिवार के साथ हैं। और क्योंकि हम यहाँ दोनों रह रहे थे, और हम क्या ऐसा महसूस होता है जब हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं, ये हर वो इंसान समझ सकता है जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी अपने प्रियजन को खोया है। और हम इस जगह से, इन हालातों से भागना चाहते थे। हम सोचते थे वही जो हर गलती एक इंसान करता है कि हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब अचानक से सब जिम्मेदारियां, हर तरीके के दुनिया दौर के तरीके को हमें समझना है, अब हमें हर तरीके को जानना है, इस दुख के साथ जीना है और इस जगह में रहना। और उसके बाद लॉकडाउन आ जाता है, और हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन में हम घरों में बंद थे, ये घर किस तरीके से हमें काटने को दौड़ रहा था। उसी दौरान मैं भी अपने विश्वास में कमजोर पड़ने लगी थी, मेरे दिल दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे थे, शैतान मुझे इस तरीके से परेशान करने लगा था कि मैं रोने में या शक में अपना समय बिताती थी, शंका में अपना समय बिताती थी कि अब हमारा क्या होगा। मेरे दिमाग में एक ऐसा डर बैठ गया था कि हे परमेश्वर कैसे मैंने अपनी माँ को अपने आंखों के सामने जाते देखा, कहीं दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारी आंखों से छिप रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिसको अटेंशन चाहिए और हम नहीं देख पा रहे। और इसी लड़ाई में मैं लड़ती रही, और अंत में मैंने वो किया जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए, मैंने परमेश्वर के वचन को जितने समय में पढ़ती थी उससे ज्यादा समय पढ़ना शुरू कर दिया, और परमेश्वर से दुआ मांगी कि मेरे मन को शांत कर, मेरे पिता के मन को भी शांत कर, और मैं विश्वास दे कि जो भी कुछ इस दुनिया में होता है वो उसकी इच्छा अनुसार होता है, उसकी योजनाएं कभी कभी हम पापी इंसान नहीं समझ पाते। और धीरे धीरे समय के साथ, कहते हैं ना कि समय सबसे सबसे अच्छी एक दवा है जो हर रोग को भर चंगा करती है, हर घाव को भरती है, हमने एक विश्वास वापस पाया,
हम उस डर से वापिस बाहर आ सके, कि जो डर हमें सताता था कि अरे हमें कोई बीमारी तो नहीं, अरे कहीं हमारे घर का कोई इंसान परेशान तो नहीं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मैं प्रार्थना में ध्यान क्यों नहीं लगा पा रही हूँ, कि मेरा विश्वास कमजोर क्यों पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से परमेश्वर हमें बाहर निकाल के लाया। और मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ, और ये मेरी साक्षी है कि उसने उस समय में भी मुझे ताकत दी, शायद जो इंसान नहीं दे सकता था उस अकेले समय में, लॉकडाउन में कमरे के अंदर बंद, सिर्फ परमेश्वर ही मेरे मन से बात कर रहा था। तो ये मेरी आज की साक्षी है, और मैं जानती हूँ कि ये कहने में कभी कभी आसान लगता है, और जिस पे बीतती है वो ही सही तौर से बता सकता है कि कैसे परमेश्वर हम सबको हर मुश्किलों में, जब भी हमने उससे मांगा है, हमें भरपूर तौर से देता है। परंतु उसके लिए एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, कि हम उसका वचन पढ़ें और प्रार्थना में लगे रहें। आज की जो मीटिंग है, मेरी एक एक आदत ऐसी है कि मैं कभी कभी अपनी मैसेज में, अपनी बातों में समय को ध्यान नहीं रख पाती हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स को लिख लिया है जो मैं बीच बीच में पढ़ूंगी। आज की जो ये सभा है, 24 घंटे और सातों दिन संयुक्त प्रार्थना, SDA के GC की आधिकारिक प्रार्थना सभा है। और आज के समय में वर्तमान में 14 देशों ने जूम प्रार्थना कॉल को स्थापित किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे के समय में भी, भविष्य में और भी देश इसे स्थापित करेंगे। और ये प्रार्थना हर एक दिन नियुक्त समय पे हो रही है, और अलग अलग विभिन्न भाषाओं में भी हो रही है। और जो थीम है इन प्रार्थनाओं का, आई विल गो, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, उससे मुझे वो गाना याद आता है जो हमारी एडवेंटिस्ट चर्च इमनल की गीत की किताब में है। मैं उस गाने का नंबर भूल रही हूँ, बट इट्स लाइक हियर एम आई ओ लॉर्ड सेंड मी, आई एम फॉरगेटिंग द इंट्रो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सॉन्ग, उस गाने के अर्थ के हिसाब से वही थीम है हमारा। जब परमेश्वर हमें आवाज लगाए, उसके कार्य करने के लिए पुकारे, तो हम हमेशा तैयार होने चाहिए कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगा जो हमारी थीम है, दुनिया के सभी चर्च के सदस्य को प्रेरित करना चाहती है शामिल होने के लिए, मसीह के लिए गवाही देने के लिए, सेवा में अपने ईश्वर के प्रदान किए हुए आध्यात्मिक उपहारों का प्रयोग करने के लिए आपको और हमको प्रेरित करती है। मैथ्यू 28 में हम जानते हैं जो महान आयोग स्पष्ट है, सुसमाचार को दुनिया भर में सैकड़ों लोगों के साथ हमें साझा करना है, उसे फैलाना चाहिए। और आई विल गो इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष उद्देश्यों और तरीकों को रूपरेखा तैयार कर रहा है। तो ये जो थीम है, हम सभी को उस उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है, जहां हम विभिन्न जगहों में, दुनिया के हर क्षेत्र, हर कोने में परमेश्वर के वचन को फैला सके। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इन योजनाओं का, इन प्रार्थना सभाओं का, जो समय समय पे हमें झिंझोड़ती हैं, जगाती हैं, और ये बताती हैं कि हमें अपना कार्य करना है, जिस भी हालात, जिस भी जगह हम हैं। जैसे कि आपने जो फ्लायर है, जो इंट्रोडक्शन है हमारे उसका, मीटिंग का, उसमें आपने देखा होगा विमेंस डे ऑफ प्रेयर, महिलाओं के प्रार्थना का जो ये समय है, जो दिन है, या जो हम हफ्ता इस समय कर रहे हैं, आज शायद तीसरा दिन है, तो ये महिलाओं के लिए कोई ना कोई उद्देश्य से या कोई ना कोई मैसेज लाता है। और मेरा आज का जो विषय है वो है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। आज हम कलीसिया की महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में बाइबल से अध्ययन करेंगे। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति के 2 अध्याय में वहां से हमें पता चलता है कि हवा, जो सबसे पहली स्त्री थी, आदम की पसली से बनाई गई थी। और पसली कौन सी पसली से? जो उसके दिल के करीब थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि ताकि उसे बराबरी का दर्जा मिल सके, ताकि वो दोनों प्रेम के साथ रह सके, ताकि वो सम्मानित हो सके और आदम की सहायक बन सके, मददगार बन सके, उसकी साथी बन सके। आज हमारे बीच में एक सवाल उठता है कि ये जो शब्द है महिला, इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्द में कौन कौन शामिल है? अगर कोई कहे नहीं, इसमें सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के बारे में है, नहीं ये उन महिलाओं के बारे में जो शायद 30 साल से ऊपर हैं, नहीं नहीं ये उनके बारे में है जो
अब दादी नानी बन चुकी हैं, नहीं नहीं ये उनके बारे में नहीं। भाइयों बहनों इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम महिला शब्द का पर्यायवाची देखें तो हम देखते हैं कन्या, स्त्री या नारी, औरत और जवान लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। मैं जवान लड़कियों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो आज की नौजवान लड़कियां हैं हमारे चर्च की, वो कल की चर्च की महिलाएं बनेंगी। इसलिए ये संदेश ना ही सिर्फ महिलाओं के लिए है परंतु उन सभी बेटियों, उन सभी लड़कियों, सब पुरुषों, सब बेटों पुत्रों सबके लिए है। क्यों? क्योंकि पुरुषों और नौजवानों के लिए बहुत आवश्यक है कि वे हर एक महिला की शक्ति को समझें और उन्हें स्वयं आत्मनिर्भर और परिवार की शक्ति बनाने में बढ़ावा दें। जब तक परिवार पर महिला का साथ नहीं देगा, उसके अंदर अपने आप में भरोसा करने वाली शक्ति या सशक्तिकरण का उद्धार नहीं हो सकता। आज के संसार में अगर हम वर्ल्डली तौर से सोचें, नारी शक्ति के बहुत से सम्मेलन और मोर्चे चलते हैं और नारी शक्ति और नारी के लिए बहुत से कानून भी बनाए गए हैं, पर कानून बनाने से कुछ नहीं होता। कानून पे चलना और उसका पालन करना ही सब कुछ है। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है और महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि वह अपनी पूर्व धाराओं को बदलें। यानी जो महिला पहले सोचती थी कि मैं कमजोर हूं, मुझे घर के कार्य करने हैं, मेरा क्या कोई भूमिका नहीं है सोसाइटी में, वह ये ना सोचे कि वह कमजोर है या किसी रिवाज के अंदर बंधी हुई है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी उन्हें धोखा दे सकता है या उनका प्रयोग कर सकता है। आज हर एक महिला स्वतंत्र है और उनके कई जन्मसिद्ध अधिकार हैं। आज हम बहुत से अधिकार महिलाओं के देखते हैं, जैसे अपुश्तैनी संपत्ति में उनका अधिकार है और गरिमा और शैलीनता का अधिकार है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं। विवाह की उम्र के लेके भी कानून बनाए गए हैं। आज हर वर्ष मई के महीने में, मार्च के महीने में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों और बहनों। इतना महत्वपूर्ण है कि वो आज की महिला की आवाज बन गया है। इस दिन को दुनिया भर के हर कोने में मनाया जाता है और उन महिलाओं को याद किया जाता है जिनका सोसाइटी में, जिनका हमारी समुदायों में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं आप सबसे ये दुनियावी महिला के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, इन सब बातों का करने का क्या तात्पर्य है? मेरा उद्देश्य इन दुनियावी महिलाओं के बारे में आपसे साझा करने का नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि आज की महिला किस स्थिति में है। जो पहले महिला की दशा थी पुराने जमाने में और जो आज एक महिला की दशा है, उसमें बहुत अंतर है। हमारा तात्पर्य आज जो हमारा विषय है, हम ध्यान देंगे उस महिला में जो परमेश्वर में है और हम उन महिलाओं के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर में है और जो महिला सशक्तिकरण में हमें आगे बढ़ाएंगी। यानी हम पवित्र शास्त्र में से उन महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे या साझा करेंगे जो हमारे आप मुझे और आपको शक्ति देंगे और हमें महिला सशक्तिकरण में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही हमारा मार्ग है कि एक गुणवान महिला कौन होती है और कैसी होती है। मेरे साथ आप सभी अपनी बाइबल खोल सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि एक गुणवान महिला की परिभाषा दी गई है नीति वचन के 31 भाग में। अगर आपके पास अपनी बाइबल है प्लीज मेरे साथ खोलिए नीति वचन का 31 भाग, और ये पूरा चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं सब नहीं, कुछ आयतों को पढ़ूंगी। मैं आपके साथ पढ़ूंगी 10 आयत 25, 26 और 30। यहाँ इस प्रकार लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों के से भी बहुत अधिक है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहनती है और आने वाले कल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। और 30 आयत में लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। भाइयों और बहनों, खासकर हमारी चर्च की बहनों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये कितना कितना गहरा शब्द है, कितने गहरे वचन है जो हम सबको किसी चीज के लिए हमें अपने आप में झांकने के लिए मजबूर करता है। शोभा तो झूठी है और सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री परमेश्वर या यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी, हमारी सुंदरता की, हमारी शोभा की प्रशंसा नहीं की जाएगी। मजबूत महिलाओं ने और बहुत सी ऐसे बाइबल में लड़कियां हैं या जो बुजुर्ग औरतें हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है ताकि मैं आपके साथ साझा कर सकूं और आगे अगली पीढ़ी के लिए भी हम क्या कर सकें, उनमें अपने आप पे खुद पे भरोसा दिला सकें। समय के साथ साहसी महिला को देखकर आश्चर्य होता है। आज भी समाज में पूरी दुनिया महिलाओं के हक के लिए और उसकी समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए लड़ रही है। आइए आज अब हम उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो बाइबल में पाई जाती हैं और जो हमें प्रोत्साहित करेंगी, हमें साहस देंगी कि हम कैसे अपने हक के लिए और सही रास्ते पर चलने के लिए, परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विश्वासी मार्था से लेकर साहसी अबीगेल तक, मुझे आशा है कि बाइबल की ये महिलाएं हम सभी को प्रेरित करेंगी और आज की महिलाओं की आवाज बन सकती हैं। सबसे पहले हम मार्था की कहानी को देखते हैं। ये कहानी पाई जाती है जॉन 12:21 से 28 में, आप पढ़ भी सकते हैं। हम यहाँ जानते हैं कि विश्वास से भरी मार्था, जॉन 11 में हम देखते हैं कि मार्था अपने भाई लाजर और मरियम के साथ बेथनी में रहती थी और एक बार उसका जो भाई है लाजर वो बहुत बीमार पड़ जाता है और संदेश भेजने के, प्रभु को संदेश भेजने के बावजूद उसकी मृत्यु हो जाती और मार्था का जिक्र बाइबल में 3 बार किया गया है। जब यीशु ने लाजर को मृतकों में से उठाया वह विश्वास की एक अटल शक्ति बन गई जो सबसे शक्तिशाली गवाही में दिखाई देती है। जॉन 11 में हम पढ़ते हैं कि कैसे बीमारी के कारण लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु जब उनके घर आते हैं तो क्या होता है, एक चमत्कार होता है। यीशु ने चमत्कारी रूप से लाजर को पूरे तरीके से स्वस्थ रूप में जीवित कर दिया। ये विश्वास करना कितना अद्भुत है कि मार्था ने ईश्वर के प्रावधान और शक्ति के बारे में आश्वस्त किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस माध्यम से वास्तविक दुनिया में क्या होता है। मार्था को नहीं फर्क पड़ा कि उसका भाई लाजर मर चुका था, वास्तविक में, रियलिटी में वो मर चुका था, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहानी परमेश्वर पे हमें भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है तब भी जब संसार में हम सब कुछ खो देते हैं, जब संसार की नजरों में ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, कोई और हमें कहता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आप कोई उम्मीद ही नहीं है, जब ये सब चीजें हम वास्तविकता में देखते हैं तब भी, उस हालत में भी क्या किया मार्था ने, परमेश्वर पे भरोसा रखा और उसका विश्वास इतना अटल माना गया कि वो हमारे लिए एक सशक्तिकरण का कारण या एक उदाहरण बन सकती है। दूसरी महिला हम देखते हैं एस्तर, रानी एस्तर, एक प्रभावशाली महिला। एस्तर 4:14 में पाया जाता है, आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं, मैं आपके आपके लिए पढ़ती हूँ। एस्तर 4:14 में यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ने किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया था। ये मॉर्दकाय कहते हैं एस्तर से। और फरीसी साम्राज्य में यहूदी नौजवान महिला, हम जानते हैं क्वीन एस्तर बहुत ही सुंदर थी, उसकी सुंदरता सभी में मशहूर थी और जो भी लोग उससे मिले थे सब उसके पक्ष में थे। लेकिन भाई और बहनों, लेकिन ये सुंदरता सिर्फ सजावटी नहीं थी, दिखावे की नहीं थी, वह बाइबल की सबसे प्रमुख महिला है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे है। उसने मृत्यु की संभावना को देखते हुए भी, उसने इस डर के बावजूद भी सही कार्य किया और अपने लोगों को बचाया। जब उसने उन्हें खतरे में पाया उनके लिए आवाज उठाई। वह एक प्रार्थनापूर्ण महिला थी जो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी।
प्रभु के समय पर उसका प्रभाव के माध्यम से इंतजार करती थी। वह अपने राज्य में यहूदियों के नरनसार के रोकने में सक्षम थी। ये क्वीन एस्तर, जिसने क्या सिखाया हमें कि हमने मार्था से सीखा कि उसका विश्वास अटल था, और अब हम क्वीन एस्तर से सीखते हैं कि वो प्रार्थना में प्रार्थनापूर्ण महिला थी और निरंतर प्रार्थना करती थी और परमेश्वर की टाइमिंग्स यानी उसके समय का इंतजार करती थी। ये हम एस्तर की किताब में पाते हैं। ये जो घटना है आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में पैदा होने वाली महिला जैसे कि हम, ये हमारे लिए एक आवाज बन सकती है, एक पहचान बन सकती है, क्योंकि आज के समय में भी हम इसी तरीके से अपने परिवारों को, अपने राष्ट्र को या अपने समुदायों को बचा सकते हैं। किस तरीके से? जैसे एस्तर ने किया। अगली महिला जो हम देखते हैं वो है अबीगेल। अबीगेल की कहानी बहुत से लोगों को, हम सबको शायद मुंह जुबानी पता भी है, और अगर नहीं भी पता है तो हम पढ़ सकते हैं। ये पहले सैमुएल 25 अध्याय में पाई जाती है। ज्ञान और सौंदर्य दोनों ही अबीगेल में थे। जो कहानी पहले सैमुएल उसके 25 में पाई जाती है, इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका जो पति है नाबाल, जिसको ये बताया गया है कि वो बहुत ही मतलबी था, बहुत दुष्ट था और अश्रिष्ट व्यवहार था उसका लोगों के साथ, जिसकी वजह से उनके लोगों पे आपत्ति आ जाती है, और किस तरीके से अबीगेल साहस दिखा के अपने लोगों के लिए खड़ी होती है। एक बुद्धिमानी और सुंदर महिला के रूप में जाने जाने वाली अबीगेल, जिसका पति बहुत ही मतलबी था, उसके विपरीत भी वो जाके अपना कार्य करती है। अबीगेल ने अपनी परिस्थितियों की परवाह ना की और उसके बावजूद उसने खुद को सम्मान और ईमानदारी के साथ ईश्वर में आगे बढ़ाया। कभी कभी हम ये बहाना दे सकते हैं कि मेरा तो पति ही ऐसा है तो मैं अच्छा कार्य कैसे कर सकती हूँ, मेरे तो घर में माहौल ही ऐसा है तो मैं परमेश्वर का कार्य कैसे कर सकती हूँ, परंतु ये सच नहीं है। अबीगेल ने जब उसके लोगों की जान खतरे में आई, आगे बढ़ के कार्रवाई में जुट गई और उन्हें बचाया, और उसके बाद क्या होता है हम पूरे चैप्टर में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं चौथी महिला की तरफ, जो है डेबोरा। इसके बारे में भी हम सब अच्छे से जानते हैं। डेबोरा की कहानी न्यायों की पुस्तक उसकी 4:5 का एक आयत ली गई है, और मतलब कहानी वहां पाई जाती है डेबोरा के बारे में। न्यायों की किताब उसका 4:5 यहां इस प्रकार लिखा है, वह इफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दरबार के खजूर के तेल तले बैठा करती थी, और इजरायलियों उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। डेबोरा के पास इजरायली न्याय के लिए जाया करते थे। एक नबी और एक सम्मानित न्यायाधीश, वह बाइबल की सबसे अधिक प्रेरणादायक महिला है। विभिन्न नेतृत्व की पहचान से इसने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और परमेश्वर की इच्छा को ही अपनी ताकत माना। वह खुद की शक्ति पे भरोसा नहीं करती थी, परंतु सारा श्रेय परमेश्वर को, खुदा को देती थी। और जो डेबोरा का गीत है हमें याद दिलाता है कि जीवन की इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, हम अप्रभावित नहीं हैं। और जो आखिरी महिला है, पांचवी महिला, एना। एना का भी नाम हम ज्यादातर जब हम प्रभावशाली महिला, शक्तिशाली और विश्वासी महिलाओं के नाम में जानते हैं, ज्यादातर नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं छोटी उम्र से लेते हुए जो हम देखते हैं, छोटी बच्ची से लेते हुए जो नामान के घर में थी, और सबसे उम्र में बड़ी महिला और स्त्री को, सब ने परमेश्वर के वचन में कोई ना कोई भूमिका निभाई है। जो आना थी वो एक समर्पित महिला रही। आना का जिक्र लूका की किताब उसके 2:36-38 में किया गया है। समय को ध्यान में रखते हुए इसलिए ये सारी आयतें मैं खुद ही पढ़ ले रही हूँ, ताकि हम आसानी से जल्द उसको समझने वाले हो सके। लूका की किताब उसकी 2:36-38 में लिखा है, आशोर के गोत्र में से एना नामक
फेन्यूल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वह पर उपवास और प्रार्थना कर रात दिन उपासना करा करती थी और वह उस घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलम को छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये है एना, एना की कहानी जो 84 वर्ष की थी। आज हम शायद 50 वर्ष में ही सोचने लगते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे शरीर में जान नहीं है, मेरे हाथ पैर में झनझनाहट होती है, मुझे इस चीज़ की बीमारी है, मुझे बैक पेन है, मुझे मेरे बाकी परिवार को देखना है, मेरे बच्चे इस पढ़ाई को कर रहे हैं, मुझे उनके लिए सोचना है। हाँ, हमारे पास अन्य कारण होते हैं परमेश्वर के काम के लिए, शायद आगे जाके ये ना कह पाना कि मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा। लेकिन एना का उदाहरण देखिए, वो केवल 3 वाक्यों में एना के पूरे जीवन को बताया गया है कि वो बहुत अद्भुत तरीके से विश्वास और भक्ति की एक असाधारण यात्रा में दिखाई गई है। वह परमेश्वर के प्रेम में थी। 84 साल की भविष्यवक्ता, यीशु मसीह के रूप में पहचानी जाने वाली और परमेश्वर का वचन साझा करने वाली पहली मिशनरी महिला थी। 84 साल की प्रतिष्ठा और प्रतीक्षा के बाद और भक्ति की पूरी जिंदगी जीने के बाद उसके प्रावधान में भरोसा करने लगी और उसका पुरस्कार उसे क्या मिला? उसे यीशु को रूबरू देखने का अवसर मिला। आज जो हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ 5 महिलाओं का उदाहरण लिया है। शायद आप में से और आप लोग मेरे से भी ज्यादा और जो यहाँ मैं बता रही हूँ उससे भी कई ज्यादा उदाहरण दे सकते हैं। हम मरियम का उदाहरण दे सकते हैं, मार्था का उदाहरण, हम यीशु मसीह की जो माता मेरी है उनका उदाहरण दे सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ हम देखते हैं कि पहले के जमाने में भी, उस समय में भी महिलाओं ने अपने तौर तरीकों के विपरीत जाके परमेश्वर की गवाही का कारण, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ने के लिए कार्य किया। ये तो उन महिलाओं के बारे में हमने बात की है जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया, जिन्होंने बहुत सी विपरीत जाकर वो कार्य किए जो अद्भुत थे, जो आज भी हमें शक्ति देते हैं, जो आज की नारी, आज की महिला को भी एक क्वीन एस्तर समझने का मौका देते हैं, एक अबीगेल जैसा साहस देने का मौका देते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में सिर्फ ऐसी ही महिलाओं का उदाहरण नहीं है। हम देखते हैं यूहन्ना 8:3-11 में एक ऐसी महिला के बारे में भी बताया गया है जो वो कार्य नहीं करती या वो कार्य करती है जो समाज में शर्मदाय होता है, वो कार्य करती है जो हम शायद जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आइए मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना 8। हम इस महिला के बारे में भी बात करेंगे जो यूहन्ना 8:3-11 में पाई जाती है। मैं एक पहली आयत से ही पढ़ रही हूं ताकि हम उसके कड़ी को समझ सकें। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर आ गया। सब लोग उसके पास आए और वहां बैठकर उसका उपदेश सुनने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। ये स्त्री अबीगेल की तरह नहीं है, ये स्त्री डेबोरा की तरह नहीं है, ये स्त्री क्वीन एस्तर या मार्था या एना की तरह नहीं है। ये स्त्री कौन है जो पाप करती पकड़ी गई है? अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? 6 आयत में देखते हैं, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछता ही रहा तो उसने सीधा होकर कहा, तुम में जो निष्पाप है या हो वही पहले उस पर पत्थर मारे।
और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़े से लेकर छोटा एक एक करके वहां से निकल गए और यीशु अकेले रह गए और स्त्री वहां बीच में खड़ी रही। चुपचाप ये स्त्री वहां खड़ी रही बिना कुछ कहे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसने पाप किया है और वो अपना दंड भी जानती थी और वह कुछ नहीं कहती है। यीशु सीधे होकर उससे कहते हैं, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना। हम सभी इस दृष्टांत, इस इंसिडेंट से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हम जानते हैं यहाँ क्या हुआ। इस ग्रंथ में एक व्यभिचारी महिला के बारे में बताया गया है जो पकड़ी गई थी व्यभिचार करते हुए और जिसे परमेश्वर यीशु मसीह के पास लाया गया और न्याय के लिए कहा गया फरीसियों यहूदियों के द्वारा, और जो निंदा कर रहे थे वो चाहते थे कि वो पथराव से मार दी जाए, और यीशु ने उस दंड से उस स्त्री को बचाया। अब हम कुछ इस पैसेज में से कुछ चीजों को ध्यान से एनालाइज करते हैं, ध्यानपूर्वक हम एक अध्ययन करते हैं। ये जो जो लोग भी निंदा कर रहे थे, अभियुक्त लोग थे, ये यहूदी थे, फरीसी थे और स्क्राइब्स थे, जो शायर थे, जो चर्च में महिलाओं की स्थिति को थोड़ा कम मानते थे, उनकी पोजीशन को अपने बराबर नहीं मानते थे। और जबकि भाइयों बहनों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक महिला को आदम की पसली से बनाया गया था उसकी बराबरी में, और यहां हम देखते हैं कि ये यहूदी महिलाओं को हीन स्थिति का मानते थे। और वास्तव में उस समय ऐसा होता था कि सार्वजनिक रूप से कोई भी फरीसी या कोई भी यहूदी या जो स्क्राइब्स हैं वो महिलाओं से बातचीत नहीं करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर वो सार्वजनिक रूप से कहीं किसी महिला से बात करेंगे तो वो उन्हें पाप की ओर आकर्षित करेंगी और उन्हें पाप में, शायद पाप की सिचुएशन में डाल देंगी। और इस करके, और महिलाओं को चर्च में भी बैठने की अनुमति नहीं थी, खासकर जबकि वे महीने के उस समय से गुजरती थी, और जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती थी उनको एक अलग खंड में बैठने के लिए कहा जाता था। व्यभिचार में पकड़ी गई ये औरत का जिक्र या उल्लेख तो हमारे पास दिया गया है, परंतु व्यभिचार में पकड़े हुए किसी आदमी का उल्लेख हमें बाइबल में नहीं पाया जाता। जहां इस पत्र के अनुसार, जो मूसा के आदेश के अनुसार, उसे भी दंड मृत्यु का ही दिया जाना चाहिए। चर्च में, हमारी कलीसिया में कभी भी दोहरे मानक को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं जानती हूं मैं जिस विषय के बारे में बात कर रही हूं, हो सकता आप में से कई मेरे साथ अग्री ना करें, हो सकता है शायद आप में से किसी को ये सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, परंतु ये आज का सच है, कि हमें दोहरे मानक को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। यीशु ने, हम देखते हैं कि यीशु की क्या भूमिका है इस कहानी में। यीशु ने इस स्थिति को पूरी तरीके से उलट दिया। कैसे उल्टा? उसने अपने उद्धार के मूल्य को दिखाया कि यीशु की तरफ से जो उद्धार है वो सबके लिए है। वह पुरुष अधिकारियों के विश्व दृष्टिकोण से हटकर अपने पाप को छुड़ाने के नजरिए को दिखाने लगा कि वो पाप से छुड़ाने की शक्ति रखता है। पुरुष आरोपियों ने खुद के पाप को सामने देखा, यीशु ने उस महिला को पाप की दंड से बचा लिया। पिता परमेश्वर की धार्मिकता पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्ते को समेटती है। यीशु महिला की अनसुनी आवाज बन जाते हैं और उसकी सशक्ति बन जाते हैं। मैंने पहले ही आपसे बोला कि ये महिला चुपचाप खड़ी थी, इसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, पर यीशु उसकी आवाज बनते हैं। यीशु ने इस समय इस चीज को दोबारा पुष्ट कर दिया कि वह एक सच्चा उद्धारकर्ता है। भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि चर्च की क्या भूमिका है महिला सशक्तिकरण में, परिवार की क्या भूमिका है महिला सशक्तिकरण में, और
उसके साथ साथ एक महिला को स्वरूप में अपने खुद में किस तरीके की धारणाएं, किस तरीके के विचार, किस तरीके का जीवन असर करना चाहिए। सब कुछ जो हमारे चर्च और समुदायों में किया जाता है यीशु मसीह के मुख्य आदेश से मेल खाना चाहिए, उसके विपरीत या उससे अलग नहीं होना चाहिए। महिलाओं के बारे में यीशु के दृष्टिकोण पूरे सुसमाचार में स्पष्ट है। महिलाओं की तरफ या महिलाओं के बारे में परमेश्वर का दृष्टिकोण नए नियम में स्पष्ट है। अभी हम ऐसे कुछ उदाहरण सुनेंगे और मैं आपके साथ साझा करूंगी जो आप भी जानते हैं, पर मैं उन्हें सिर्फ आपके सामने एक तरीके से याद दिलाऊंगी। सबसे पहला उदाहरण, परमेश्वर ने सार्वजनिक रूप से महिला से बात की थी। हम जानते हैं कि जो समारिया की महिला थी जिससे परमेश्वर ने पानी पूछा था, वो एक पब्लिक प्लेस थी, एक कुएं के पास। यहूदियों के हिसाब से ये ठीक नहीं था, सार्वजनिक रूप से किसी महिला से बात करना, और वो भी समारिटन वुमन से बात करना ठीक नहीं था। पर परमेश्वर ने उसके विरोध जाके इससे बिल्कुल विपरीत तरीके से क्या क्या उस महिला से बात की। फिर हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, सार्वजनिक अपमान का जोखिम उठाया। कौन सा ऐसा इंसिडेंट बाइबल में है जहां पर हम देखते हैं कि कोई ऐसा ऐसा होता है कि सार्वजनिक अपमान जिसे उस समय के लोग मानते हैं। हम देखते हैं जब मसीह अपने चेलों के साथ होते हैं तो मेरी जो मगदलीन है वो आती है और इत्र से परमेश्वर के चरणों को धोती है और अपने केश से, अपने बालों से उसके चरणों को पोंछती है। लोगों के लिए ये बहुत शायद एक अपमानित दृश्य बन गया था, परंतु परमेश्वर ने उस चीज को होने दिया और उसने उस समय भी में भी जब लोग इन चीजों के खिलाफ थे उन चीजों की निंदा नहीं की। तीसरा हम देखते हैं, उनके साथ धर्मशास्त्र पर चर्चा की। पहले के समय में यहूदी जूश जो फरीसी थे और सादुसीस थे, वो महिलाओं को अपने पवित्र शास्त्र के डिस्कशन में नहीं इंक्लूड करते थे, उन्हें उसका हिस्सा नहीं बनाते थे। परंतु परमेश्वर ने मेरी और मार्था के साथ पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र की चर्चा करी और मेरी, मार्था और लाजर परमेश्वर के दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। आज हम जानते हैं कि हम सबके पास दोस्त हैं। हमारे पास, अगर हम स्त्री हैं तो हमारे पास महिला स्त्री दोस्त हैं, अगर कोई पुरुष है तो उसके पास पुरुष दोस्त है। पर परमेश्वर उस समय में भी उसके पास महिला दोस्त थी, मार्था और मेरी। यहां तक कि उनके जी उठने की खबर भी सबसे पहले महिलाओं के पास पहुंची। परमेश्वर ने महिला पे भरोसा किया कि जब वो जी उठेगा, जब वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और फिर वो उस वहां टूम में रखा जाता है और जब वो जी उठता है, वो सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को पता चलता है जो उसके उसके ऊपर वो इत्र लगाने के लिए उस भोर में आई थी, और फिर वो जाके उस परमेश्वर के चेलों को बताती। उन्होंने उस महिला के साहस को भी पुष्टि की जो वर्जन को तोड़ने के लिए रक्त की बीमारी से जूझ रही थी और चंगी होने की उम्मीद में वो बाहर आ जाती है, समाज में आ जाती है और परमेश्वर के वस्त्र को छू के चंगी हो जाती है। जबकि वो उस समय में बिल्कुल एक ऐसी चीज थी, पाप के बराबर था कि उसको ऐसी बीमारी है और वो बाहर आ गई है और वो किसी को छू रही है। वो सारे जो रिलीजियस टाबू जिसे कहते हैं, वर्जनों को तोड़ते हुए परमेश्वर ने उस चीज की स्वीकृति दी और उसके विश्वास में उसे चंगा किया। उन्होंने महिलाओं के खाने पकाने की सेवा भूमिका को भी चुनौती दी है। आज के समय में हम जानते हैं एक अच्छी महिला, एक योग्य महिला वो हो जाती है जो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। परंतु मेरी और मार्था की कहानी में हम देखते हैं कि जब मार्था परमेश्वर के लिए अच्छे अच्छे पकवान और भोजन बनाने के लिए रसोई में व्यस्त थी, तो मेरी परमेश्वर के पास बैठ के उसके वचन को सुन रही थी, उससे बातचीत कर रही थी। उस समय हम जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा कि वो सही कार्य कर रही है। उस समय खाना बनाना जरूरी नहीं है, उसने उस चीज को भी चुनौती दी जो दुनियावी
सोच या दुनियावी हमारे रीति रिवाज के हिसाब से। हमारे चर्च में महिलाओं की आवाज आज भी कहीं ना कहीं चुप है। आज खासकर चर्च के नेतृत्व स्थिति में दुनिया चाहती है कि महिलाएं सिर्फ स्वस्थ खाना बनाएं, अच्छा घर रखें, देखभाल करें, बच्चे पैदा करें और उन्हीं चीजों पर ध्यान रखें। यदि चर्च यीशु से सीखती है तो महिलाएं और उनकी भूमिका का न्याय करने के लिए बाइबल का उपयोग नहीं करेंगे, बाइबल से महिलाओं की निंदा नहीं करेंगे, उन वचनों को पढ़ के उनको उनके विश्वास को नीचे नहीं करेंगे जैसे कि यीशु ने नहीं किया। इस संदेश का उद्देश्य सिर्फ एक है मेरे भाई और बहनों, कि ध्वनिहीन महिला जो अपनी आवाज आज शायद चर्च में नहीं बढ़ा रही है वो उसे बढ़ा सके, ताकि वह प्रभु के कार्य में आगे बढ़ सके और बाइबल की मदद से अपना न्याय भी कर सके। महिला सशक्ति को चर्च में प्राथमिकता देनी चाहिए। अनसुनी आवाजों से परमेश्वर का काम पे अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और उसका काम आगे बढ़ सकता है। महिला सशक्तिकरण की जरूरत को समझने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। हर एक महिला को प्रोत्साहित करने का जरिया शुरू होता है उसके घर से, उसके परिवार से, उसके चर्च से, और तब जाके उसके अंदर ये विश्वास आता है। तो भाई और बहनों, आज का मेरा वचन यही संदेश देता है कि महिलाओं को अपने आप पे भी भरोसा करने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन के सहारे आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाते रहें कि आज मेरे घर में दावत है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। घर के कार्य भी सभी के कार्य हैं, घर के पुरुष के, घर के बच्चों के। ये सिर्फ एक महिलाओं को बांधने के लिए नहीं, परंतु महिलाओं को भी परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ के उसका कार्य करना चाहिए, उसके वचन को फैलाने का पूरा अधिकार है और उसका फर्ज बनता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वचन से हम सभी को ये प्रेरणा मिली है कि महिला चाहे बहुत प्रभावशाली हो या चाहे वो चुप भी हो, परमेश्वर का जो वचन है या जो परमेश्वर का न्याय है सबके लिए एक समान है। और परमेश्वर जब पुरानी रीति रिवाजों को भी, उनका नजरिया भी उस जमाने में भी बदल सकते थे, तो आज का जमाना और आज का समय कितना आगे निकल आया है। इन्हीं सुंदर वचनों के साथ मैं आज का संदेश समाप्त करती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई गलती की हो या ज्यादा समय ले लिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर मेरा उद्देश्य यही है कि हम इस थीम के अनुसार हमेशा तैयार रहें और अपनी शक्तियों को और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, महिला सशक्तिकरण को अपने चर्च में निभाएं, अपने घरों में निभाएं, और इसमें सभी का सहयोग चाहिए, सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे परिवार का, चर्च कलीसिया का सहयोग होना बहुत जरूरी है। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे परमेश्वर पिता महान, हम तेरे धन्यवादी हैं कि हमने तेरे सुंदर वचन में से पढ़ा कि किस तरीके से परमेश्वर तेरा प्रेम अपार है और तू किस तरीके से एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। तूने किस तरीके से हर किसी को परमेश्वर तेरी आराधना करने का मौका दिया है। हम सभी को परमेश्वर, खासकर इस चर्च की नौजवान लड़कियों को और महिलाओं को ये शक्ति दे, ये सामर्थ्य, और अपने पवित्र आत्मा का साया उनके ऊपर रख ताकि वो तेरा कार्य करने वाले हो सकें। वो अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ परमेश्वर जो कार्य, जो कमीशन तूने हमें मत्ती की 28 में दिया है, तेरे वचन को फैलाने वाले हो सके, हम तैयार होने वाले हो सकें जब भी तू हमें पुकारे। परमेश्वर हमारी गलती और कसूरों को माफ कर दे। हमने जाने अनजाने में जो भूल की है या कुछ भी वचन में से पढ़ने में या जो भी चीज़ हमसे छूट गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि ये वचन हम सभी के दिलों को, हृदयों को छुए, और परमेश्वर जब भी हमें तेरे वचन को साझा करने का मौका मिले हम हमेशा तैयार हों, हम अपनी गलतियों से सीखें और दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ने वाले हो सकें। जितने भी आज जूम मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, जिनके भी गीत, प्रार्थनाएं, चेन प्रेयर्स में हमने सुना, जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जो बीमार हैं, लाचार हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परमेश्वर तू उनको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, विश्वास दे कि परमेश्वर तेरे दूसरे आगमन पे हम सभी अपने प्रियजनों से मिलने वाले, उन्हें देखने वाले होने हो सकेंगे। जो बीमार है परमेश्वर, खास करके लवलीना दी के लिए प्रार्थना करते हैं,
और भी परमेश्वर जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, जो लंबे समय से परमेश्वर किसी परेशानी से जूझते आ रहे हैं, जिनके नाम शायद हमें फिलहाल याद ना हो परमेश्वर, परंतु उन्होंने अपने नाम प्रार्थना के लिए दिए हैं, जो विश्वास करते हैं कि प्रार्थना से वो चंगे किए जाएंगे, उन्हें छू और परमेश्वर उनके ऊपर भी अपनी कृपा उड़ेल। हम उन सभी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, अपनी जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए, सम्मेलन के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, कि वो जो भी कार्य हमें देते हैं या जो भी कार्य के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं, हम वफादारी से, ईमानदारी से उसे पूरा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, परमेश्वर पिता, हम अपने डिवीजन, अपने यूनियन, उसकी जितने भी कार्य की यूनिट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए जो भी परमेश्वर तेरी सेवा करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे लीडरान हैं परमेश्वर, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर परमेश्वर तेरी कृपा हो, वो जितने भी फैसले लें परमेश्वर तेरे नाम को आगे बढ़ाने के लिए लिए जा सकें और तेरे लोगों के उद्धार के लिए हों। हमारी सारी गलतियों कसूरों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारे से जाने अनजाने में की हुई भूल को क्षमा कर परमेश्वर, हम अपने विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सकें और तेरे आने वाले समय के लिए परमेश्वर, जो कि बहुत ही निकट है, जब तू आने वाला है, उसके लिए अपनी तैयारी को और पक्का और मजबूत करने वाले हो सकें परमेश्वर। वो जो जीवन की रोटी है, जो तेरा वचन है, उसको हम अपनी प्रार्थना से भिगा के उसका सेवन करने वाले हो सके परमेश्वर। तुम्हारे हृदय को खोल और तेरे वचन को सही तरीके से समझने की शक्ति दे। एक बार फिर चर्च के सारे सदस्यों के लिए, खास करके चर्च की महिलाओं के लिए, और उनको प्रोत्साहित करने की आशा में परमेश्वर तेरे से मांगते हैं कि तू हमें हमेशा शारीरिक और मानसिक शक्ति देता रहे, ताकि हम तेरे वचन को साझा करें। हमारी गलतियों कसूरों को क्षमा कर। ये सारी आशीषें तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।